कई बार कुदरती मौत प्रोग्राम तो मिथ है, मिथ लैंदे हाँ, मिथदे हाँ सोच के प्री प्लान बना के, लेकिन उस विच आनंद भरना, उस विच रस भरना, प्यार जिहा एक अजीब जी खिच, ये जो गुरु बख्शिश करे, अकाल पुरख वाहिगुरु रहमत करे, तां बनती है। जदों मैं गुरुद्वारा साहब हुण गया सां चैन लैण वास्ते, रस्ते विच बच्चे ने, उन्हें छोटे बच्चे ने बड़ी प्यार दियां गल्लां, गहरियां गल्लां, मैनूं नहीं सी पता कि ये बच्चा भी इतनी गहरी गल पुछ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी गल्लां जिहड़ियां आम जबानां ते नहीं हुंदियां। तुसीं जितने भी बैठे हो, अगर मन विच खिच है, लगन है, प्यार है, तो एक बार वो जरूर प्रतख होवेगी तुहाडे सामने। मैं एक पुस्तक पढ़ी है, भजन बंदगी का प्रताप, छोटी हरभजन सिंह जी, वो सूबेदार मेजर सन मिलिट्री के अंदर, उन्होंने रंग लगे, परमात्मा का रंग लगा, नितनेमी होना, प्रेमी होना, अमृतधारी होना, कोड ऑफ कंडक्ट सुनना, मनना, उत्ते चलना, सब ठीक है। लेकिन संगत जीओ, मालक का प्यार, सतगुरु का प्यार, नाम जपू न चित करे, बाणी पढ़ न मन करे, दिल करे कि मैं वध वध बाणी पढ़ा, उस परमात्मा प्रभु का सिमरन करा, ये बख्शिश तो बिना, भागन तो बिना नहीं हुंदा। कुछ ऐसिया पुस्तक ने जिहड़ियां पुस्तक पढ़ के लिखिया जांदियां ने, या अपने जीवन के अनुभव द्वारा। संगत जी, कुछ पुस्तक ऐसिया ने जिन्हां चों एक पुस्तक भाई साहब वीर सिंह जी ने लिखी है, उसका नाम है संत गाथा भाग पहला। वो जीवन है उन्हां महापुरशां दा जिन्होंने 62 साल हरिमंदर साहब के सन्मुख वड्डे दरवाजे के सामने, दर्शनी ड्योड़ी के सामने, अमृत वेले त्रिपहरे का कीर्तन 2:30 बजे, गर्मियों में ते सर्दियों में 3:30 बजे, एक नागा नहीं पाया उन्हां गुरमुख प्यारियां ने, संत बाबा श्याम सिंह जी आटा मंडी वालियां ने। ये साके सुनियो ते इहनूं अपने अंदर रिकॉर्ड करियो। उन्हों का जीवन बड़ा प्यारा लिखिया उन्होंने, ऐसिया ऐसिया गल्लां, भाई परमात्मा नाल जुड़ो, नाम नाल जुड़ो, सिमरन नाल जुड़ो, बंदगी नाल जुड़ो, यही जीवन का सार तत् है। एक पुस्तक अनुभव की लिखी है भाई साहब रणधीर सिंह जी ने, अपने समय के 22 गुरमुख प्यारिया उन्हों रूहों का जीवन लिखा है, जेडे उन्होंने वेखते वेखते उन्होंने नज़रों के सामने, उन्होंने सत्संग के दायरे में इतने बदले, उन्होंने मन इतने चेंज हो गए, उन्होंने अपना आपा अकाल पुरख वाहिगुरु को समर्पित कर दिता, वो नाम बाणी नाल ओत प्रोत हो गए। एक पुस्तक लिखी है डॉक्टर दीवान सिंह जी ने, उन्होंने पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है संतां महापुरशां दे जीवन अनुभव। वो भूमिका विच लिखते हैं, जो अं मुख बंद कहते हैं, उस विच लिखते ने वो, मैं जिन्ना भी संतां महापुरशां का जीवन लिखा, सुनी सुनाई गल नहीं की, आप गया हाँ, उन्होंने मिलिया हाँ, उन्होंने विचार वटांदरा किया है, फिर प्रेमियों पासों, अथाम के जो वसनीक सन उन्होंने पासों पूछा कि आत्मक अवस्था गल् समझ जी अलग ने, गल्लां करनियां ढेर चुकलियां ने, यह कह देना बड़ा सौखा है, लेकिन आत्मक अवस्था किसी की कितनी है, अंदरों किसी की कितनी पहुँच है, अंदरों कोई कितना त्यागी वैरागी है, कोई कितना प्यार वाला है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वो लिखते हैं कि मैं जो कुछ भी लिखा है इन्हों महापुरशों बारे, ये मेरा जीवन अनुभव तो है, पर मैं उन्होंने आप जाके मिल के वार्तालाप करके लिखा है। उन्होंने बहुत कमाल के उन्होंने जीवन लिखे हैं, तो जी मैं घटना आप जी के सामने जाहिर कर लगा हाँ, आप जी साझी कर लगा हाँ, क्योंकि बच्चे के विचार सुन के, माहौल वेख के, मेरा मन कुछ ऐसा महसूस होया कि जो मालिक की बख्शिश होनी शुरू हो जाए तो संगत जी पल नहीं लगते। एक गुरमुख प्यारे ये छोटी हरभजन सिंह जी ने लिखा कि उस प्रेमी ने, मेरा मित्र सी अमृतसर का, मैं आप गल सुनाई, उन्होंने बदली अमृतसर तो दिल्ली हुई, वो एरोस्पेस में काम करते सन, उन्होंने डिपार्टमेंट में दिल्ली तो बदली मद्रास हो गई। उन्होंने एक नेम से कि मैं हर रोज़ गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करके हुक्मनामा सुन के काम से जाना है, तो जब शाम को आते तो गुरुद्वारा साहब पहुँच के अपने तां कर जाते। उन्होंने एक नेम से, एक जीवन का उन्होंने लक्ष्य बना रखा से। उन्होंने जब बदली संगत जी मद्रास में हुई, उत्थे वो कुछ ऑफिशियल वर्क उन्होंने मिलिया, बहुत काफ़ी बड़े बिजी रहिंदे सन, और बहुत लायक ईमानदार और मेहनती बंदे। उस स्थान तो जिथे उन्होंने रिहायश मिली, समुद्र नेड़े सी, जब वो शाम को पहुंचे बड़े परेशान, भाई इत्थे कोई, क्योंकि उन्होंने कोई भी सिख ना एयरपोर्ट पर नज़र आया, ना बस स्टैंड पर नज़र आया, ना बाजार चो लंघ दिया कोई सिख दिखा, जिस इलाके में गए सन उत्थे। वो मन भी सोचने लगे कि ए मेरे मालिक, ठीक है तू हर थां वसदा है, हर हिरदे विच वसदा है,
जरे जरे विच तेरा वास है, कण कण विच तेरा वास है, पर साड़ी वेखण दी अख नहीं। ए तू कृपा कर सानू ओ जी अख मिल सकती है, तू बख्शिश कर सकदा है, तू रमिया होया है। ओ अमृत वेले उठे, इशनान पानी कीता ते समुंदर दे किनारे सैर करन लई चले गए। ए उन्होंने आप अपनी आटोबायोग्राफी छोटी हरभजन सिंह जी ने अमृत सुनाई, जी उन्होंने पुस्तक में उन्होंने जीवन लिखा है कि वह किंज उन्होंने मन बदलिया, किंज नाम बाणी नाल जुड़े। संगत जी उन्होंने जपजी साहब जी का पाठ प्रारंभ कर दिता, अंदर अंदर एक ख्याल चलन लग पाया कि इतने मैं कितने पूछा कि गुरुद्वारा साहब कितने हैं। जे मैं सत्संग करना हो, जे मैं कीर्तन बाणी सुननी हो, जे मैं सतगुरु के दर्शन करने हो, संगत जी गल याद रखना, जिमें आप सारे बैठे हो ना, संगत करनी, संगत के दर्शन करने, संगत में जाके बैठना बड़ा जरूरी है। गुरबाणी में एक टुक आती है, विच संगत हर प्रभु वसै जियो, मेरा मालक, क्योंकि संगत का सोसायटी का जिते चार इंसान बैठे होंगे, देखो तुम कितों घर जपोगे वाहेगुरु तो एक रसना वाहेगुरु कहेगी तो दो कान सुनोगे, जब तुम संगत में बैठे हो परमात्मा का प्रभु का किसी भी रूप से नाम जप रहे हो तो कितनिया रसना जप रही ने, कितने कान सुन रहे हैं, कि कोई ना कोई जुड़ी हुई रू जो जुड़िया होया सिमरन बंदगी नाल मूह आवाज कढ़ेगा, उस दियां जो छुआवां ने जो उसकी रेध ने वो साढ़े मन ते पैणगे ते तन मन शीतल होगा, ऐसा बाणी में कई बार आया है। वह गुरमुख प्यारे जपजी साहब का उच्चारण कर रहे, मन में सोचते हैं भाई इतने गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन किवें होंगे, मैं संगत किवें करांगा, किवें जावां। वो दसन लगे छोटी हरभजन सिंह जी ने, मैं जो पहुंचे ना सचखंड वसै निरंकार कर कर वेख नजर निहाल, तो जब मैं अखीरला सलोक पढ़िया नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, अचानक पिछों मेरे मोढ़े ते किसी ने हाथ रखिया, मैं कुछ ठठंबर गया। ठठंबर गया जानते हो, एक तो होंदा डर गया, डर गया लफज हो रहा है, ठठंबर ना पाप इंज करना है, कौन है पिछे, बस उन्होंने पिछे मुड़ के देखा कोई बुजुर्ग सफेद चिट्टा दाड़ा चिट्टे वस्त्र पाए हुए और नूरानी जिहा चेहरा उन्हों का, नूरानी आप लफज जानते हो, जिमें किसी के चेहरे तो नूर वसदा हो, महान शांत रूप, अखा निशियाई हुई जिमें किसी जुड़िया हो, जिमें किसी अंतरात्मे वेख रही हो। कह लगे वो गुरमुख प्यारे बोले, भाई गुरमुखा इंज लगता तू कहना तेन गुरु दर्शनों की संगत दर्शनों की तांग है। वो बड़ा हैरान होया, बड़ा हैरान, मैं तो सोचा इन्होंने किमें बुझ लिया, सोचा लगा भी बुजुर्ग बड़े प्रेमी लगते हैं, भजन बंदगी वाले लगते हैं कई बार, क्योंकि दिलों में सब के मन में वस रब वसदा है, जो थोड़े मन में वसदा है वो मेरे मन में वसदा है, जरूरी गल है, अगर थोड़े मन में कोई विचार आएगा उसका अक्स मेरे मन से पेगा। तो कई बार इंसान कहना भाई तेरे मन में कितने गल तो नहीं सी, असं सोचते सचमुच मैं यही सोच रहा, तुम कि पता लगा, क्योंकि जिस सब वाहगुरु वसदा संगत जियो तो चंगी गलों की भी विस्तार कुदरती हो जाती है। कहने लगे हाँ गुरमुख प्यारे मैं सोचता तो यही सा, पर मैं कल तो आया हाँ, मैं रस्ते में कोई सिख स्वरूप नज़र नहीं आया, जिते सिख स्वरूप नहीं हो जो बाकी हिंदू भीर मैं देखे हैं उन्होंने की पता वो कितने, क्योंकि इस इलाके भी सिंधी बड़े सन, भाई कितने कुछ सिंधी ने, कितने कुछ पंजाबी ने, कितने गुरु घरों मनते ने, मनते ही है भी नहीं कि नहीं, क्योंकि उस इलाके दफ्तर बहुत सन और सारे पढ़े लिखे बंदे और हाईली क्वालीफाइड सन सारे। कह लगे गुरमुखा आ तुम मैं दसा एक घर है, एक घर सिंधियों का जिहड़ा सारा परिवार इस वेले आसा दी वार दा कीर्तन कर रहा है। बड़े कहने मैं हैरान होया भाई यह तो इस मतलब यह होया कि इसे कलोनी के रहने वाले हैं। कह लगे असं समुद्र तो जितों जिसे बाहर गड्डी खड़ी की थी, गड्डी तक आए उन्होंने नाल बिठाया, वो मैंने कई मोड़ मोड़ के उस घर अगे ला गए, कोठी बड़ी शानदार लाइना बनिया लाइन वार, यही मैं कह सकता कि वो कोठी स्टाफ उन्होंने मिली सी जो स्टाफ वालों दफ्तर वालों या उन्होंने अपनी जर खरीद सी। कह लगे इतने अंदर चला जा कीर्तन हो रहा है। मैं क्या बाबा जी तुम नहीं आओ नाल, जो तुम मैं दसिया है इतनी पाल तुम दसी है तो तुम गाणकार हो तुम भी नाल चलो। कह लगे नहीं गुरमुखा साड़ी ड्यूटी साड़ी सेवा इन्नी ही लगी है। तो उन्हें सोचा मैं मन में सोचा भाई बड़े मौजी ठाकर लगते हैं, हो सकता है कोई घर का काम हो करदा कोई काम के हो आंदा वापस सैर करने तो बाद समान ले आना। कहने मैं बहुती गल गोली नहीं, वो अपने राह पे तो मैं उपर चढ़ गया, ज्यों जाके मैं बैल दी अंदरों परिवार निकले वो वेख के खिड़ गए, जो मैं सदियों के जानते हो भाई आपने तो कमाल कर दी, आज बहुत समय के बाद मुद्दत के बाद एक सिख के दीदार हुए हैं, हम कीर्तन वाणी का गायन कर रहे थे, सोचा कोई सिख स्वरूप मिले किसी से वार्तालाप ऐसी करें, हमें तो भारत के हम एक कट से गए हैं, सत्संग से कट गए हैं, गुरुद्वारे तासक हमसे बहुत दूर रह गए हैं, यहाँ भी जो गुरुद्वारा बहुत दूर है, लेकिन हम जब आए थे दिल्ली से
हम दिल्ली से ही आए हैं तो साथ में गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लाए थे उसका हम प्रकाश करते हैं। हम दोनों स्त्री मर्द जड़े आप सन उन्होंने बच्चे सारे तो सब इकट्ठे सन सारे कीर्तन करते सन। हम सभी सत्संग करते हैं, आओ आप हमारे में शामिल हो जाइए, हम सभी मिलकर गुरु नानक की कीर्ति का गायन कर दें। तो कहने के मेरे नानक बुजुर्ग आया भी अंदर ले आओ चाह पी जाएगा। मैं उन्होंने कहा कहने लगे आपके साथ कौन सा बुजुर्ग, यहाँ तो इस इलाके में कोई रहते नहीं है, कोई सरदार यहाँ नहीं रहता। और लिखते हैं छोटी साहब के मैं उन्होंने हुलिया दसिया इस रंग रूप दे इस वेशभूषा दे। कहने लगे हमने तो यहाँ जितने साल से हमें यहाँ रिहायश हो गया हमने आज तक कोई ऐसा स्वरूप नहीं देखा, सारे शायद मद्रास में भी नहीं होगा जिस स्वरूप का वर्णन कर रहे हो। छोटी साहब कहने लगे मैं बड़ा हैरान है, उन्होंने कहते हैं जाके देखो तो सही। वो निकले बाहर उन्होंने दो चार गलियां वेखिया जितों मोड़ मुड़ते सब सारे वेखे, फिर उन्होंने कार कढ़ी वो तकरीबन इलाके में घुमाए। वो जिहड़ी औरत सी वह भगती भाव वाली सी कहन लगी वो सरदार जी आपने क्या किया, हमारे घर तो गुरु नानक आए साक्षात गुरु नानक आए, हमें दीदार देने की हम बदकिस्मत है जो बाहर नहीं आ सके, अपने बैल बुझाई हमने बच्चे को भेजा हम नहीं आए, अगर हम बाहर आते हो सकता हम उनको रोक लेते, वो तो साक्षात प्रत्यक्ष गुरु नानक आए थे। अंदर गए सरदार साहब कीर्तन किया उन्होंने वार्तालाप होया, वो कहते ना मैं इतना प्रभावित होया उन्होंने तो भाई इस संस्थान से जिते नेड़े तेड़े कोई गुरुद्वारा नहीं कोई सिख नहीं, ये इंज बाणी प्रोथन और आसा दी वार का कीर्तन हिंदी सिंधु हिंदी जो सन हिंदू सिंधी शब्द आपने वेखे होंगे, इतने बीबी कमला देवी व्याह सी दादा चेला राम की बेटी और पूरा परिवार सारे उन्होंने बच्चे जवाई तिया वो सारे सवेरे तीन तो पांच आसा दी वार का कीर्तन करते हैं। हम तो दस सुने बहुत समा हो गया क्योंकि बहुत लंबा समा इस पास हो गया है। गुरु दर नानक जब कदम भी आया करते सन तो उन्होंने सवेरे तीन बजे कीर्तन शुरू करना, एक सिर्फ नाइट लैम्प जगते होना, तो ऐसा उन्होंने रस पन्ना आसा दीवार का कीर्तन करना संगत जियो तो समा गवा जाता सी नहीं सी पता लगता कि ढाई घंटे कद बीत गए। वह गुरु प्यारे लिखते हैं कि मैं ऐसा प्रभावित होया उन्होंने तो जड़े मेरे मन के तोखले सन शंके सन सारे मिट गए कि वह अर्थान हाजिर नाजर है, उन्होंने घर का सत्संग बनया ऐसा सत्संग बनया कि जीवन ही सारा पलट के रख दिता। हुण मैं कदे दर्शन तो नागा नहीं हुंदा, कदे नितनेम तो नागा नहीं हुंदा, कदे बाणी तो नागा नहीं हुंदा, सिमरन खाम का करन जी करदा है रुचि हुंदी है। सो संगत जी गुरु नानक कृपा करे जद मालक मन बदलन त्यावे सी सौ सिख्या दिंदे रहिए, जद मालक बदलन त्यावे ना मन पल नहीं लगदा समा नहीं लगदा ते लोक परलोक सवेले हो जांदे हन। गुरु नानक कृपा करे मेरे वीर राजेंद्र सिंह जी पनेसर ने बच्चे जोत स्वरूप दा कितना प्यारा नाम जो मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मूल पछाणया पर 40 साल बाद पछाण लिया आनंद हो गया। गुरु नानक कृपा की है। गुरबाणी में एक बड़ी प्यारी तुक आती है जिथे उम्र का वेरवा है, शायद आप जी ने बड़ी बार सुनी होगी दस पासों आम पाठ में आती है, उसका गायन कोई घट ही करता है। उस विच एक तुक है 40 सी पुर होए जब कोई इंसानी इंसान 40 साल हो जाए तो हर पखों पुर हो जाता है, बुद्धि मंडल करके भी शरीर करके भी परिवार करके भी संसार करके व्यवहार करके भी। बाणी की तुक है 40 सिपर होए इस तो बाद ज्यों ज्यों उम्र वधदी है फिर डाउनफॉल शरीर में आता है, लेकिन 40 के इंसान बिल्कुल पूरा हर पक्षों पूरा होता है। जिहड़ी कमी गुरु नानक मेरे गुरु ग्रंथ साहब शब्द गुरु ने पूरी कर दी है, सारा परिवार वधाई का पात्र। गुरु नानक कृपा करे परिवार में प्रेम प्यार मेल इतफाक दियां दातां बख्शे, अपनी बाणी नाल जोड़े अपने शब्द नाल जोड़े लोक परलोक सुहेले होण। तुसीं जितने भी आए हो मेरे वीर दियां खुशियां भी शामिल होण लई तुहाडे राहां तों सदके गुरु नानक कृपा करे, जिथे आप उन्होंने खुशियां भी शामिल होए हो प्रीति भोजन का आचमन करोगे उत्थे जो शब्द का भोजन है जिसमें लोक परलोक सुहेले करने हैं वह भी हिरदे विच वसे लोक परलोक सुहेले भुल चुक दी खमा। आओ आप सारे रल के आनंद साहब जी का गायन करिए बेनती प्रवान करिए।